اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فاقنا في ديننا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حالكم امید ہے دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو خیریت سے رکھے تمام بھلائیاں تمام اچھی چیزیں और हमें आखरत की भी तमाम भलाइया अता फरमाए और आग के अजाब से बचा के हमें हमारे प्यारों के साथ अल्लाह जन्नत में रखे अल्लाह नमाज़ को पढ़ना हमारे लिए आसान कर दे और उसको हम इस तरह पढ़ कि हम अल्लाह ताला को खुश कर सकें इन आज हम नमाज का नया रहसन देखेंगे इसमें हम कुछ चीजें देखेंगे इसके बारे में और ये देखेंगे कि नमाज जो है उसका हुक्म कब दिया गया था यानी कभी जहन में आता है कि हमें पता नमाज़ फर्ज है यानी पांचों वक्त पढ़नी चाहिए सबको वल हम लापतर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन इसके बारे में देखते हैं कि इसका हुक्म कब दिया गया था तो जब प्रोफेसल्म नबी बने थे जिस तरह जब तो शुरू में उनको दे दिया था अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म ऐसा यानी कि जिस वक्त वो प्रॉफिट नबी बने हैं तो ये शुरू में ही आया था एक तो हम ये कुरान के आयत देख लेते हैं कुरान में आयत है इसकी फर्जियत के लिहाज से कि नमाज फर्ज है या नमाज का हुक्म जो बार बार आए कुरान सेवन हंड्रेड टाइम्स ऑलमोस्ट नमाज का जिक्र आया है तो वह वकीम नमाज कायम करो और जक़ात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो सुरह बकरा की आयत है ये तो कुरान में ऐसे बहुत जगह दिखता है मगर हम देखते हैं कि शुरू कब हुआ था यानी कि क्या शुरू में ही आ गया था नमाज का हुक्म या बाद में नमाज का हुक्म आया था तो इसको थोड़ा सा थोड़ा सा देखते हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलते ही ना शुरू के दिनों में ये हुक्म आ गया था नमाज का यानी कि नमाज जो है मक्की जिंदगी में ही फर्ज हो गई थी जब प्रॉफेम मक्का में थे शुरू में ही नमाज आ, इनको गिफ्ट इनको दे दिया गया था कि नमाज पढ़ने का हुक्म क्योंकि नमाज जो है वो रब के साथ बंदे का ताल्लुक बढ़ाती है और जितना ज्यादा ताल्लुक होगा जितना ज्यादा प्रॉफिट का भी ताल्लुक होगा तो उतनी ज्यादा उनकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी और उतनी ज्यादा फिर वो उनके लिए काम करना आसान होगा तो उनको जब शुरू में भी आई थी आई मुजम्मिली कुमिल कलीला तो उसमें भी कहा कि नमाज पढ़ा करो रात को तो इस तरह नमाजों का उस वक्त से कहना शुरू कर दिया था अब जैसा ये वाली है आपके सामने तस्वीर इसमें है कि नमाज मक्की जिंदगी में फर्ज हो गई थी और ये बुखारी की हदीस है जो प्रोफेसम सल ने यानी हजरत आयशा कहती है अल्लाह ताला ने नमाज में पहले दो दो रकात फर्ज की थी और वो हर वक्त सफर में भी अकामत में भी फिर जो है वो चेंज हो गई लेकिन पहले दो दो करके लेकिन मक्की जिंदगी में ही दो रकात होती थी तो लोग पढ़ते थे अच्छा और नमाज क्यों वही बात है कि वो जो है बंदे का और रब का बेहतरीन ताल्लुक है उससे क्या आता ताकत आती है फिर आपको अमल करना आसान होता है ओबीडियंस करना आसान होता है इताद और इसमें हम देखते हैं कि प्रोफेसम सल मुस्लिम जो थे शुरू में सिर्फ दो प्रेयर्स कि पहले पांच नमाजें नहीं थी कुछ ही नंबर थे सलाह के और मगर उनको पढ़ने का था प्रोफेट्स और, और कंपेनियंस भी पढ़ते थे यानी नबी वम के साथ और बाद में वो पांच हो गई थी और बिल्कुल फर्ज कर दिया गया था तो मगर हुक्म पहले से ही था और ये भी पता चलता है कि जब प्रॉफेम सल के शुरू शुरू की जो रेवलेशन थी ना वही उसमें हज़रत ने आ के उनको बताया था हाउ टू मेक उधु उनको सिखाया था कि वजू किस तरह करता है और तो इस तरह इससे पता चलता है कि उनको नमाज पढ़ना और सब कुछ हजरत जबरील ने सिखाया था कि उधु करना भी और ये ये कि जब वो नमाज का वक्त आता था तो वो लोग नमाज पढ़ते थे मक्की जिंदगी के शुरू में अच्छा क्या क्या प्रॉफिट को जिसका दिया गया तो क्या औरों को भी कभी यानी हुक्म दिया गया या ये सिर्फ मुसलमानों के लिए प्रेयर्स हैं कि हम ही को नमाज पढ़नी होती है सिर्फ हमारे लिए तो हम इसमें देखते हैं कि अल्लाह ने पहले तहलेट जो थे ना उनको भी इसका हुक्म दिया था क्योंकि जैसे कि ये क्या है अल्लाह से ताल्लुक तो तमाम को अल्लाह ताला कहते थे नमाज पढ़ो क्योंकि नमाज से उनका कनेक्शन मजबूत होता था, था अल्लाह ताला, ताला से तो फिर वो दावा भी अच्छे से कर सकते थे क्योंकि नमाज जो है वो आपको फ्यूल देता है ताकि आपको इस्लाम को अच्छे से प्रैक्टिस कर सको ताकि आप अल्लाह ताला की बात अच्छे से मान सको तो नमाज अगर अच्छे से पढ़े ना तो वो इस तरह फ्यूल बनती है हम देखते हैं किस किस तरह कहा प्रॉफिट को औरों को कहा गया तो सारे प्रॉफिट की तरफ नमाज की वही कही थी एक सुर अम्बिया में आयत है उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने जो है प्रॉफिट्स के बारे में बात जब हो रही थी ना उस वक्त अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इनको इमाम बना दिया और जो हमारे हुक्म से गाइड करते थे और हमने उनकी तरफ नेकिया करने और नमाज कायम करने और जक़ात अदा करने की वही की थी यानी सारे प्रॉफिट्स को जो हुक्म दिया था गाइड करने के लिए उनको एक तो इमाम बनाया प्रॉफिट्स को और फिर उनको कहा कि नेकिया करना ये हमारे लिए भी हुक्म है और नमाज कायम करना और जक़त दे उनको भी ये वही की गई थी और वो अल्लाह की इबादत करने वाले थे सारे प्रॉफिट फिर एक और देखते कि जो प्रोफेस ने बताया कि प्रॉफिट्स जो बाकी अंबिया थे पुराने उन पर भी जब भी कोई परेशानी आती थी तो वह नमाज की तरह मुतवजह हो जाते थे यानी सारे प्रॉफिट जो थे मुश्किल वक्त में नमाज से सपोर्ट लेते थे आपको बताया ना नमाज रब से ताल्लुक है तो वो जो है फिर सपोर्टिंग वो हो जाता है उससे इंसान में ताकत बढ़ जाती है काम करने की प्रैक्टिस करने की इस्लाम को दावा करने की हर चीज की तो वो लेते थे इसी तरह हजरत मूसलम के बारे में आता है जब हजरत में आया था आयत नंबर फोर्टीन जब अल्लाह ताला ने पहली दफा उनसे बात की थी आप हजरत मूसम से तो अल्लाह ताला, 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 ताला डायरेक्ट बात करते थे तो उनको जहाँ फर्स्ट टाइम बुलाया था उधर अल्लाह ताला, ताला ने उनको कहा था अल्लाह कि यकीनन मैं ही अल्लाह मेरे सिवा कोई मबूद है ही नहीं यानी सिर्फ अल्लाह तला ही है जिसकी वर्शिप की जा सकती है अब फिर कहा था फाबुदनी तो मेरी इबादत तुम मेरी इबादत करो मेरी वर्शिप करो वह सोला और नमाज कायम करो मेरे जिक्र के लिए यानी मेरी याद के लिए नमाज कायम करो तो पहली मुलाकात पे उनको भी नमाज का हुक्म दिया गया था तो इसका मतलब नमाज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सारे प्रॉफिट और देखते हैं और किसको हजरत इब्राहिम इनको भी हम सब जानते हैं इब्राहिम आल्लाम भी नमाज की बहुत फिक्र करते थे इनके पास जब हम इनकी स्टोरी पढ़ते हैं जो कुरान में आती है तो उसमें नमाज के बारे में अक्सर और भी जिक्र आया मगर ये दुआ तो हम सब नमाज में ही पढ़ते हैं हमें पता है कि एक दुआ है जो कुरान में बताया कि हजरत इब्राहिम ने दुआ की थी रब जालनी मुखीमत सोलती व व तकबल दुआ इसके मतलब क्या है कि ए मेरे रब मुझे नमाज कायम करने वाला बना यानी मुझे और मेरी औलाद में से भी यानी मुझे और मेरी औलाद को दोनों को नमाज कायम करने वाला बना यानी उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट बात थी कि नमाज को स्टेब्लिश करना और उसमें बस अल्लाह ताला तो से दुआ की कि आप आसान कर दें हमारे लिए कि औलाद के लिए भी हमारे लिए नमाज पढ़ना और अल्लाह ताला आप हमारी दुआ मेरी दुआ कबूल फरमा ले हम भी अल्लाह ताला तो से ये दुआ मांगते हैं अल्लाह तम तो हमें भी नमाज कायम करने वाला बना हमें हमारे सब घर वालों को नमाज क़ायम करने वाला स्टेबलिश करने वाला बनाए ऐसी नमाजें पढ़ने वाला बनाए जिससे अल्लाह ताला खुश हो जाए बना बता कब्बल दुआ अल्लाह ताला तब की दुआएं कबूल कर लीजिए फिर हजरत इसमाइल अलैहिस्सलाम जो हज़रत इब्राहिम के बेटे थे उसके बारे में भी कुरान में एक आयत आती है जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि हजरत इसमाइल अलैहिस्सलाम भी अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे उसमें है आयत वकानती वी मरदिया हजरत इसमाइल के बारे में अल्लाह तला कहते हैं वो अपने घर वालों को नमाज और जक़ात का हुक्म देते थे और अपने रब के नज़दीक पसंदीदा था तो हम भी पसंदीदा बनना चाहते हैं अल्लाह के अल्लाह तमें भी पसंदीदा बना ले तो ये आपके सामने कुछ प्रॉफिट के नाम है ये सब नाम जानते होंगे हजरत ईसा का नाम भी सब जानते हैं तो एक बस हम एग्जाम्पल और देखेंगे वैसे अल्लाह तला ने हजरत मरियम को भी कहा औरों को भी कहा मगर अभी हम बस एक प्रॉफिट का नाम देख लेते हैं हजरत ईसा को भी नमाज का हुक्म दिया था जब हजरत ईसा ने फर्स्ट बात की थी अल्लाह जब बात की थी तो उसमें ये कहा था कि यकीनन मैं अल्लाह का बंदा हूँ अल्लाह ने मुझे किताब दी और मुझे प्रॉफिट बनाया है और उसने मुझे बरकत वाला बनाया जहां भी मैं हूँ और मुझे नमाज और नमाज़त का हुक्म दिया जब तक के मैं जिंदा रहूं तो फिर इससे हमें क्या आइडिया हुआ कि ये नमाज जो है सारे प्रॉफिट्स को मिली है तो प्रॉफिट को भी शुरू में इसी तरह नमाज पढ़ने का हुक्म दिया था कहते कि नमाज पढ़ो और वो पढ़ते थे क्योंकि उससे अलग कनेक्शन बढ़ता था उससे फ्यूल और उनके अंदर एनर्जी आती थी मगर अब हम देखते हैं कि ये नमाज पांच वक्त की नमाज कहाँ से आई इतना फर्ज कहाँ से आया ये इसके बारे में थोड़ा सा हम सीरा को देखते हैं कि सीरा में प्रॉफिट सल्लम की लाइफ हिस्ट्री से हम थोड़ा सा देखेंगे की कब चीज फर्ज हुई तो सीरा में जो है यानी कि प्रॉफिट सल की लाइफ हिस्ट्री में से पता चलता है हमें कि जिस साल यानी मक्का जिन, मक्की जिंदगी में एक साल था जिसको ईयर ऑफ ग्रीफ कहा जाता है सोरो ईयर ऑफ सोरो यानी उदासी का साल उसमें उस क्या हुआ था कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो उनके प्यारे अंकल थे चचा जो थे अबू तालिब जो उनके बहुत सपोर्ट करते थे तो उनकी डेथ हो गई और कुछ ही अरसे में उनकी वाइफ जो हज़रत खदीजा उनकी भी डेथ हो गई तो वो भी आप को बहुत सपोर्ट करती थी और आपको बहुत टेक केयर करती थी तो अफसरदा थे तकलीफ में थे तो ये तो चीज हुई थी तो उसको ईयर को ही एयर ऑफ ग्रीफ ही कहा जाता है क्योंकि उसमें प्रोफेसम काफी उदास थे तो उसको आमल हु कहा जाता है ये प्रोफेसम के द मोस्ट डिफिकल्ट डेज थे उनकी लाइफ की एक तो डेथ हो गई इनकी उसकी वजह से वो उदास थे उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक जगह वो ताइफ गए ताइफ जो है सऊदी अरब में ही अरब में ही एक जगह थी वहां पर प्रोफेसम सल गए दावा के लिए और लोगों को के सपोर्ट लेने के लिए और वहां पे क्या हुआ कि आप सल के साथ उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया और उस वक्त यानी कि जैसा अगर हम स्टोरी ऑफ ताइफ सुनते हैं उससे पता चलता पत्थर तक मारे थे और प्रॉफिट सल ने उसमें बहुत ज्यादा हार्डशिप उन्होंने फेस की थी जब उन्होंने प्रीच करने गए थे ताइफ में तो सफरिंग एट द दीपल ऑफ ताइफ उन लोगों ने उनको बहुत ज्यादा ट्रबल दी तो एक अभी ही कुछ ऐसे पहले उनकी डेथ हुई थी और उससे ज्यादा वर्ड फिर ये मक्का वाले उनको तंग कर रहे थे प्रोफेट सलीसल्लम को फिर वहां ताइफ जब गए तो वहाँ भी उनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ पीपल ऑफ ताइफ जो थे वो उन्होंने नहीं सुना और बाकायदा इनको पत्थरों से मारा अल्लाह ताला हम सबको रहम फरमाया वसल्लम फिर भी रहते रुके नहीं वो हमेशा हम लोगों का केयर करते रहे उस वक्त क्या हुआ कि जब ये अल्लाह क्योंकि इनकी जिंदगी के मुश्किल तरी मुश्किल तरीन दिन थे फिर अल्लाह ताला ने आप सल को कंसोल करने के लिए अपने पास बुलाया जैसे हम बहुत सैड होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारे टेक केयर करते हैं हमें अपने पास बुलाते हैं तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंसोल करने के लिए अपने पास बुलाया कैसे बुलाया तो ये हम देखते हैं उनकी इसमें नाइट जर्नी पे बुलाया प्रॉफिट को अल्लाह तला ने अपने पास बुलाया मीटिंग के लिए ऊपर आसमानों पर नाइट जर्नी असरा वलम ये क्या हुआ था कि अलैहिस्सलाम आए थे प्रोफेसर के पास और उनको लेके पहले उन्होंने मक्का से वहां गए यरूशलेम गए फिर वहां से आसमान की तरफ गए उस हिस्से को मेराज कहते हैं कि जब ये ऊपर आसमानों पे गए यानी पहले तो जमीनी सफर किया मक्का से और यरूशलेम तक एक वो सवारी लेके आए थे एक राइड लेके आए थे और अब तो ये बात समझना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि अब तो जहाज और ये सब कुछ होती है चीजें रॉकेट्स मगर उस जमाने में तो नहीं होती थी मगर फिर भी सब लोगों ने माना क्योंकि नबी नबीम ने बताया और ये हुआ था ऐसा तो कुरान में भी आता है इसके बारे में तो अच्छा इसरा में वो बैतुलमकद गए पहले फिर उधर से सीधे डायरेक्ट ऊपर आसमानों पर गए और वहां जब आसमानों पर गए तो वहां सात आसमान है ना तो उसमें उन्होंने छह आसमानों को क्रॉस किया और जब सेवंथ पे पहुंचे वहां पे उनकी अल्लाह ताला से मुलाकात हुई वहां पे भी ऐसा हुआ था कि एक जगह जबरीलम भी रुक गए एक ऐसी बीच में जगह आई जहां पे पर जबरीलम भी ये तस्वीर बैतुल बैतुलमकद की है कि जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर गए तो बैतुल बैतुलमकद से सीधे आसमानों की तरफ गए थे तो आस, सिक्स आसमान क्रॉस करके सेवंथ पे जब पहुंचे तो वहां पे एक जगह आई थी जहां पर मुंतहा वहां पे हजरत उधर से आके जा सकते तो कोई अलाउड ही नहीं था जाना मगर प्रॉफिट प्रोफेसम अकेले वहां गए वहां पे अल्लाह ताला से आपकी मुलाकात हुई आप इमेजिन कर सकते अल्लाह ताला से मुलाकात हुई लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा नहीं था वहां बीच में एक स्क्रीन थी उनके बीच में ना एक ऐसा जैसा ब्राइट लाइट की स्क्रीन ये कर्टन था थिन सा कर्टन था तो अल्लाह ताला उनके इन इन्फ, फ्रंट थे के और उनसे बात कर सक रहे थे उनकी आवाज सुन सक रहे थे मगर ही सी अल्लाह अल्लाह ताला अल्ण ताला को देख नहीं सके लेकिन इस तरह वहां पे वो गए थे यही कितनी बड़ी बात है कि किसी तो महाराज पे अल्लाह तला ने अपनी क्रिएशन में जो सबसे ज्यादा बिलवड थे यानी कि प्रॉफेसलम उनको अपनी प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाया उनको और उसके अलावा उसमें प्रॉफिट उस मुलाकात में अल्लाह तला ने नबी वसल्लम सल को एक तोहफा दिया और क्या तोहफा दिया था पूरी उम्मत के लिए तोहफा दिया गिफ्ट दिया अल्लाह तला ने उस मुलाकात में और वो गिफ्ट था द गिफ्ट ऑफ सलाह अल्लाह तला ने उसमें ए, 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 दिया सलाह का तोहफा कि यानी <coughs> उस वक्त जो है नमाज फर्ज हुई यानी कि उस वक्त कहा कि पूरी अब सबको पांच टाइम नमाज पढ़नी ही पढ़नी है और उसको भी हम देखेंगे उसमें क्या उस तरीका था लेकिन उस वक्त गिफ्ट ऑफ सलाह दिया अल्लाह ताला ने तो ये प्राइवेट मीटिंग थी प्रॉफिट प्रोफिसम के साथ और उसमें अल्लाह ताला ने इनको दिया प्राइवेट मीटिंग टाइम बिटवीन यू एंड अल्लाह यानी हम सब के लिए भी अल्लाह ताला ने दिया कि ओके प्रॉफिट प्रॉफेसम के लिए वो प्राइवेट मीटिंग टाइम था और नमाज जो है, दुनिया में रह के ताला से मीटिंग का तरी, है तरीका और वो वसल्लम के लिए भी था पूरी उम्मा के लिए ही गिफ्ट था मेरे और आपके लिए भी के हम भी प्राइवेट मीटिंग टाइम होता है हमारा और अल्लाह के दरम्यान जब हम नमाज पढ़ते हैं कि इस तरह का भी हमने सोचा अच्छा इसमें यह थे कि प्र, प्रिशियस गिफ्ट फ्रॉम यानी कि वन टू वन वन ऑन वन, वन मीटिंग होती है अल्लाह तला से हमारी ये जब हम नमाज पढ़ते हैं और प्रिशियस गिफ्ट है फ्रॉम जन्ना और ऊपर मराज में दिया गया और अल्लाह ताला की आंखों में मोस्ट एक्ट ऑफ वर्शिप है बहुत ज्यादा अल्लाह ताला खुश होता है जब हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज ही जो है डिफरेंशियट करती है बिलीवर में और डिसबिलीवर में नहीं अगर हम अल्लाह को मानते हैं तो हमें अल्लाह की माननी होगी तो फिर नमाज पढ़ेंगे और अगर नहीं मानने वाले तो वो नहीं पढ़ेंगे तो ये डिफरेंशियशन है वन ऑफ द वेस्ट जन्ना है हम सब जन्ना जानना चाहते हैं तो सलाह जो है ये चीज इसी वर्शिप ऑफ अ लाइफ टाइम यानी पूरी जिंदगी करनी होती है अच्छा ये चीज है कि देखिए बाकी जो हम पढ़ते हैं वर्शिप के तरीके या आप कह लें कि जो ये चीजें हैं जो पिलर्स ऑफ इस्लाम है इसके अलावा जो हमारे पास है रोजा हज सकात है ना तो अच्छा ये जो है इसके और सलाह में कोई चीज खास सलाह के लिए यूनिक है क्या चीज है बाकी सारे जो एक्ट्स ऑफ वर्शिप है ना एक तो उनमें यह चीजें नहीं है कि वर्शिप ऑफ या वन इस तरह की चीज जो हो कि वन ऑन वन मीटिंग विद अल्लाह ताला ऐसा नहीं है क्योंकि वो तो हज है जक़ात है रोजा है थोड़ा सा डिफरेंट उसके एक्सपेक्ट्स होते हैं और दूसरी चीज क्या है इसकी चीज यूनिक है कि बाकी सारी जो इबादत है ना उनके फर्ज होने के जो कमांडमेंट्स आए थे ना जो अहकाम आए थे वो इनडायरेक्ट तौर पे अल्लाह ताला ने दी थी इनडायरेक्टली कैसे जैसे अलैहिस्सलाम वही लाते थे दुनिया में देते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सारे जो बाकी सब जो प्रिस्क्राइब की ना चीजें तो वो दुनिया में आई लेकिन सिर्फ नमाज ऐसी चीज थी जो कमांड ऑफ सलाह दिया गया कि पांच वक्त की नमाज फर्ज है उसको अल्लाह ताला ने आसमानों पर बुला के डायरेक्ट दिया था तो हुआ ना स्पेशल गिफ्ट यानी बाकी चीजें तो इनडायरेक्टली के जरिए दुनिया में नॉर्मल जैसे आती थी मगर सलाह को अल्लाह तला ने ऊपर बुला के डायरेक्ट दिया तो स्पेशल गिफ्ट दिया उम्मा के लिए इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला नमाज से कितनी मोहब्बत करता है उसका कितना अजीम स्टेटस है और जैसे आप यही समझे कि हम किसी खास जगह पे जाते हैं तो कोई जाते हैं ना किसी जगह से वापस आते हैं घूम के वेकेशन से तो कोई सुविनियर लेके आना चाहते हैं वहां से तो प्रोफिम जो है सलाह को लेके आए थे उम्मा के लिए कितनी वैसे बात है ना अल्लाह अच्छा इसके बारे में हम हदीस देख लेते हैं ताकि हमें और पता चल रहा है कि ये पांच नमाजों की फर्जियत के जो दलाइल में कि हदीस कौन सी है बुखारी में सही बुखारी जो है उसकी सेवन फाइव वन सेवन हदीस है कि वाक महाराज पे किस तरह पांच नमाजों की फर्जियत हुई सिर्फ मैं इसको आपके लिए शॉर्ट करके बता देती हूँ कि जब प्रोफेसलम को लेकर जबील ऊपर गए सेवन आसमान तक तो वहाँ पे उससे भी ऊपर जान गए और सिदरतुल मंतहा एक दरख्त के पास जाके वो रुक गए और फिर हजरत प्रॉफेसल्लाम उनके पास गए और फिर क्लोज हुए जैसा हम बात करते बात हुई उनकी और उस वक्त अल्लाह ताला ने उनको फिर ये गिफ्ट दिया कि फिफ्टी नमाजें फर्ज की गई हैं आप लोग हैरान ना हो जब फर्स्ट हुक्म आया था तो उसमें फिफ्टी ही नमाजें आई थी अल्लाह तला ने कहा था कि तुम्हारी इनकी उम्मत के लिए फिफ्टी नमाजें तो नबी नबीसम ने कहा अच्छा फिर मगर जब वो फिर नीचे जाने लगे तो फिर नीचे वाले आसमान पे हजरत मूसा थे स्काई पे तो वो उन्होंने कहा कि नहीं आ, मैं इतनी तुम्हारी उम्मत नहीं पढ़ सके की उसको कम करवाओ तो मूसा के कहने पे पर प्रोफेल्स ने फिर रिक्वेस्ट की फिर बार बार प्रॉफिट प्रॉफेस ने रिक्वेस्ट की और फिर अल्लाह ताला ने उसको फाइव कर दिया यानी कि फिफ्टी पहले उन्होंने अल्लाह ने प्रिस्क्राइब किया था और फिर जब प्रोफेसर ने बार बार कहा तो वो रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने ने अल्लाह ने ने पांच कर दिया फिर फाइव के कहा अल्लाह ने फाइव जो है मैंने लिख दिया फर्ज कर दिया और हर नेकी का स्वाब दस गुना है बस ये उमुल किताब में पचास नमाज है लेकिन तुम पर पांच ही फर्ज है यानी कि ये पांच फर्ज कर दिया पचास से समझे पांच हो गई लेकिन उसका स्वब जो है जिस तरह हर्ड नेकी का स्वाब टेन टाइम्स होता है ना हर नेकी का जो भी हम करते हैं तो ये हम फाइव नमाजें पढ़ेंगे और उसके फिफ्टी टाइम्स का हमें सवाब मिलेगा तो सुबह अल्लाह मतलब आपको ये समझ आ रही है हम थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको कि किस तरह सलाह प्रिस्क्राइब हुई थी इसरा वाज में हुई थी फिफ्टी प्रेयर्स एट फर्स्ट दी गई फिर डायलॉग बिटवीन मूसा प्रोफेसर सल हुआ मूसा के कहने पर जब प्रोफेसर सल ने रिक्वेस्ट की बार बार तो फिर अल्लाह तला ने ओके फाइव कर दी मगर उसको कहा कि ओके मगर बट काउंट एज फिफ्टी और ये क्यों हुआ जैसे ऐसे उन्होंने कम क्यों कर दी पहले तो ये बात ये हदीस देख लेते हैं, बिन मालिक कहते हैं कि फिफ्टी प्रेयर्स थी और फिर फाइव कर दी और फिर क्या अनाउंसमेंट अल्लाह तला ने की फाइव प्रेयर्स विल बी काउंटेड एज फिफ्टी ठीक उसको फिफ्टी का हमें सोचा हम पांच पढ़ते हैं फिफ्टी का हमें सवाल मिलता है हर दफा तो कितनी जबरदस्त बात है और इसमें एक और बात ये कि हम सोचते हैं ना कि भाई पांच ये अल्लाह ताला ने फिर पांच क्यों कर दी तो ये अल्लाह ताला की जेनरासिटी थी यानी अल्लाह ताला तो बहुत जनरस है ना सब हमारे साथ तो अल्लाह ताला, ताला ने कहा ओके ठीक है फाइव प्रेयर्स हैं मगर इक्वल टू फिफ्टी इन रिवॉर्ड फॉर माई वर्ड्स डेंज और मुस्लिम दोनों में रिवायत है तो ये उनकी जेनरासिटी हम अल्लाह त हम कितनी भी वर्शिप कर लें हम अल्लाह ताला को रिपे तो नहीं कर सकते लेकिन फिर भी हमें अप्रीशियट करना चाहिए कि सिर्फ पांच सलाह अल्लाह ने किए तो बहुत कम है ना अगर हमें लगता है ना कि फाइव सलाह एक दिन में बहुत ज्यादा टू मच है क्या भाई हर वक्त नमाज पढ़ते रहो कभी रहोन में आता है और फाइव प्रेयर्स आर टू डे टू मच तो अल्लाह ताला ने जितने हम पे एहसान किए ना एक तो फाइव प्रेयर्स कुछ नहीं है और दूसरा वैसे भी देखें हर हाँ प्रेयर बहुत कम टाइम लेती है अगर हम रिज्यूम करें कि पांच प्रेयर्स जो है थर्टी मिनट्स एक दिन में ले रही है तो हमारे पास इतने सारे मिनट्स में अगर हम थर्टी मिनट्स नमाज पढ़ लेते हैं तो सिर्फ जस्ट टू परसेंट तो है हमारे टाइम का हम बाकी कितना कुछ करते रहते हैं पूरे ट्वेंटी फोर आवर्स में तो इसे अल्लाह तला के लिए हम पांच वक्त कोई ज्यादा नहीं है और वही बात है कि शुक्र करें अल्लाह का शुक्र करें कि पांच हो गई फिर मुश्किल होती है। तो अब हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत रेहत फाइव कर दिया उसका रिवॉर्ड कम नहीं किया और अब हम जब फाइव नमाज पढ़ते हैं तो फिफ्टी का तो हम मिलता है तो सुबहान अल्लाह कितने जनरेशन अल्लाह ताला कितना अप्रिशिएट करते हैं बढ़ा चढ़ा के अजरत देते हैं अच्छा जैसे नबी नबीसलम अब हम अपने लिए सोचते हैं कि अब हम इस चीज से कैसे फायदा उठाएं अब देखिए इस बात को याद रखें कि जब हम नमाज के लिए खड़े हो ना तो सोचें कि नबी वसल्लम जैसे अल्लाह के सामने अल्लाह ताला ने मुलाकात के लिए बुलाया था मीटिंग के लिए और अल्लाह ताला के यानी इन फ्रंट थे नबीसलम सल के और नबीसम सल के भी तरफ मतवजे थे दरम्यान में पर्दा था आपलसम सल देख नहीं सकते थे तो हमारी नमाज भी तो कैसी होती है अगर सोचें हमारी नमाज भी मीटिंग है कायनात से मीटिंग होती है और अल्लाह फ्रंट ऑफ होता है और हमारी तरफ भी मुतवजह होता है।, जैसे उस वो की था, है हम देख नहीं सकते अल्लाह तक तो सलाह जो है इट इज योर प्राइवेट मीटिंग टाइम विद्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स क्या हम इमेजन कर सकते हैं इतना बड़ा क्रिएटर अल्लाह तीन प्राइवेट मीटिंग है अच्छा हम सोचे हम इस तरह अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए हों जैसे गए थे नमाज भी तो हमारी हालत क्या होनी चाहिए या हम क्या कहते जगह सोचते हैं जैसे अभी हम सोचते हैं जब हम नमाज पढ़ रहे हो तो हमारे जन में क्या क्या थिंकिंग्स आती हैं कभी शॉपिंग की आती है कभी कोई कोई काम हमारे रहते हैं होमवर्क की आती है और इसके बाद क्या करना है अच्छा मैं जो इस गेम में क्या करूंगी मैं एंटरटेनमेंट की चीजें आती है सोशल मीडिया फ्रेंड्स के बारे में ख्याल आता सब कुछ आता है में। तो क्या वाकई क्या हम अल्लाह ताला को सोच रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है इस वक्त तो हम ये सब सोचते हैं जब इस तरह मीटिंग में जाते हैं हम और नमाज में हम यही करते हैं जबकि नमाज भी क्या है इट्स जस्ट यू एंड है अल्लाह हम अल्लाह ने हमारे लिए फाइव टाइम्स मीटिंग पॉइंट यानी अपॉइंटमेंट बुक किए अब देखें आम, हम क्या उन अपॉइंटमेंट्स की केयर करते हैं अल्लाह ताला ने बुक कर दिया कि पांच मीटिंग टाइम है तुम तो आओ मैं तुम्हारी तरफ लिसन करूंगा इसके बारे में हम देखते हैं अल्लाह ताला नमाजी के सामने होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी नमाज में खड़ा होता है तो अल्लाह ताला अपने चेहरे के साथ उस पर मुतवजह होता है आपने देखा कि जब हम नमाज जैसे अल्लाह अकबर कह के जब मेमिनटर होते हैं ना नमाज में तो अल्लाह ताला फिर उसकी तरफ मुतव होता है कि जैसे हाँ सुन बताओ क्या लिसन कर रहा हूं मैं तुम्हें इस तरह करता है और उसके बाद क्या होता है कि इबन कम कहते हैं कि जब बंदा जब तक अपनी नमाज की तरफ मुतवज रहता है ना जब तक हम नमाज पढ़ते रहते हैं और उस पर फोकस करते हैं कि क्या कह रहे हैं उस वक्त तक मुसलसल अल्लाह तला बंदे की तरफ मुतवजह रहता है उसको लेसन करता है और लेकिन जब बंदा अपना दिल या अपनी नजर इधर उधर करता है झाकता तो फिर अल्लाह ताला भी उससे मुंह मोड़ लेता है जब बंदा अपना दिल या अपनी आंखें फेरता है तो अल्लाह ताला भी मुंह मोड़ लेता है तो इसमें पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला हमें देख रहे होते हैं उससे बिल्कुल हमने तो क्या हम यदि हम, सोचे हमें लिस्ट करते हैं अल्लाह ताला पांच दफा दिन में हम जब नमाज के लिए जाते हैं क्या दुनिया में कभी कोई हमें इतनी अहमियत दे सकता है कि जब हम और वो आपस में वो हमें कहे पांच दफा तुम आना मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बादशाह क्या वो ऐसा कोई एक भी देख कि जिसमें वो हमारी बात सुन रहा है ये तो हो ही नहीं सकता बल्कि इवन हमारे मामा बाबा भी नहीं जो अम्मी अब होते हैं, वो भी नहीं क्या ऐसा हो सकता है कि पांच दफा वो हमारे साथ बैठ सकते हैं दिन में कि अच्छा चलो अब मैं तुम्हारे साथ बैठ रही हूँ अब बताओ मैं तुम्हारी तरफ टर्न करती हूँ तुम्हें सुन रही हूँ बोलो पांच दफा तो ऐसा होता है नहीं लेकिन अल्लाह ताला ते ऐसे पांच दफा एवरी सिंगल डे वो हमारी तरफ मुतवजह होते हैं हमारी तरफ टर्न करते हैं अल्लाह ताला वैसे भी हमसे मोहब्बत करते हैं मगर नमाज में स्पेशली हमारी तरफ टर्न करते हैं अल्लाह ताला तो जैसे ही हम नमाज में अल्लाह अकबर कह के, के एंटर होते हैं ना अल्लाह ताला हमारी तरफ मुतवजह हो जाता है यहां तक के जो ये वाली बात है कि या तो हम नमाज कंप्लीट कर लें तब तक अल्लाह ताला हमें सुनता रहता है या फिर हम इधर उधर देखने लग जाएं तो नमाज में एक तो आंखों से इधर उधर देखना ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए नमाज में इधर उधर नहीं देखना चाहिए आप सोचें तो अगर कोई बात कोई बड़ा आदमी खड़ा स्कूल का प्रिंसिपल ही ले, ले लें आप अपना अगर वो सामने खड़ा हो तो क्या आप इधर उधर देख रहे होंगे ऐसे सर जुगाड़ कर रहे होंगे अजीब सा और या फिर आप अपने कभी इधर इचिंग कर रहे होंगे कभी बाल अपने सही कर रहे होंगे कभी अपने आप को हिला रहे होंगे ऐसे नमाज करेंगे क्या उनके सामने किसी बड़े किसी के सामने भी जिसके सामने आपको कितने हम रिस्पेक्ट से खड़े होते हैं ना तो बादशाह तो छोड़ लेकिन हम किसी प्रिंसिपल के सामने भी किसी टीचर के सामने भी ये नहीं करते क्योंकि हम इधर उधर क्यों नहीं देखते कि वो तो हमें देख रहा है तो हम इस तरह नहीं करते तो फिर अच्छा तो एक चीज ये होती है कि नमाज में हमें इधर उधर नहीं देखना चाहिए कहाँ फोकस करना चाहिए सजदे की जगह पे देखते रहना चाहिए आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं है लेकिन सजदे की जगह पे देखना चाहिए ठीक वो एक रिस्पेक्ट वाली बात है और दूसरा इधर उधर हो जाता है यानी बंदे या तो आंखें इधर उधर होती है वो तो हम फिर भी कं, कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन दिल भी इधर उधर होता है दिल में क्या होता है इधर उधर की बातें आने लगती हैं और आम लोगों को तो खैर प्रिंसिपल के सामने तो आप इधर उधर को सोचेंगे उसको नहीं पता चलेगा लेकिन अल्लाह तला को तो पता चलता है कि हम क्या सोच रहे हैं तो हम क्या चीजें सोचने लगते हैं हम सोचते हैं अच्छा गेम में मुझे क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए अच्छा उस मूवी में आगे क्या होगा और जब ये इसके बाद मुझे क्या करना है हमारे जहन में आता है ना तो ये भी टर्न अवे होता है और ज्यादातर इस तरह का टर्न अवे होता है फिर अल्लाह ताला जो है अपनी तवज्जो हटा लेते हैं और उसमें ये नहीं होगा कि नमाज नहीं होगी अल्हमल नमाज हो जाएगी नमाज तो कैरी ऑन होगी जब हम अगर अपनी तवज्जो हटा लेंगे और मुलाकात का टाइम भी चल रहा है मीटिंग टाइम है लेकिन ये जो एक्स्ट्रा फेवर अल्लाह ताला की तरफ से थी ना कि वहां हमारी तरफ मतवज था हमें लिसन कर रहा था वो अब वो नहीं रहेगा और ये सुबह अल्लाह ये होता है कि हर नमाज में अल्लाह ताला हमें ये प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाता है और हमारी तरफ होता है तो अगर हम आज हम चाहते हैं ना अपनी नमाजों को इम्प्रूव करें ताकि हम अपनी नमाजों को एक्सेल कर सकें क्योंकि जब हम नमाजें अच्छी होंगी ना तो हमारी पूरी लाइफ बदल सकती है और हमें दुनिया में भी सक्सेस मिलेगी आखिरत में भी सक्सेस मिलेगी तो एक तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अलहमदल्ला के हमें फाइव टाइम अल्लाह ताला प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाता है वर्शिप के लिए और उसकी वजह से क्या होता है फाइव टाइम्स हम फ्यूल हमें मिलता है ताकत मिलती है और अगर हम सही तरीके से नमाज पढ़ते हैं ना तो वो हमारे लिए बहुत पावरफुल होती है पांच नमाजें और सोचे अगर अल्लाह ताला ये फर्ज नहीं करते तो क्या हम अल्लाह ताला से इस तरह की मीटिंग का कोई हमारे पास तरीका हो तो हमें इतना जो सुकून चीज दे सके तो अब करना क्या है हमें एक तो हमें ये काम करना है कि जब हम नमाज पढ़ें बिफोर यू प्रेस फुली अंडरस्टैंड वट इट इज मैं क्या करने जा रही हूँ अल्लाह से मिलने जा रही हूँ अल्लाह ताला के सामने खड़ी हो अल्लाह मुझे देख रहा है और तो इसलिए इससे फोकस पड़ेगा इस चीज को हम ज्यादा करेंगे और बल्कि जब आप नमाज में खड़े होते हैं तो कम्पोज खड़े हो क्योंकि ये आपके लिए अल्लाह से कनेक्शन का ऑनर है आपके लिए और यहाँ पे हमारा लेसन कम्पलीट हुआ इन हम नमाजों में सोचेंगे कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हम कोशिश करेंगे बहुत सीधे फोकस के साथ, के साथ साथ सुकून नमाज पढ़ें और अल्लाह ताला के फेवरेट बनने और एक जो है सलाह के बारे में बात की सलाह इज एज गि फ्राम अल्लाह बर्डन इसको बर्डन ना समझिए तो गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से गिफ्ट पे तो खुश होता है इंसान तो इसपे खुश हो और एक दुआ जो है हम सब याद करें इसको और ये सल्लम ने सिखाई है कि दुआ आफ्टर एवरी के हर नमाज के बाद ये दुआ मांगने की मगर हम इसको मीनिंग्स के साथ इसको याद करेंगे ताकि इसको हम दिल से मांग सकें उससे हमारी नमाजें अच्छी होंगी क्या दुआ है अल्लाइनी अल्ला अला जिक्र व शुक्र का वस्न इबादत अल्लाइनी आइन्नी अल्ला के अल्लाह पाक मेरी हेल्प कीजिए अला जिक्री का कि मैं आपका शुक्र अदा आपका जिक्र कर सकूं, आपको रिमेम्बर कर सकूं, वह शुक्री का और आपका शुक्र अदा कर सकूं, बहुत इबादत और आपकी बेहतरीन करूँ एक्सिल इस तरह वर्शिप कर सकू जो ब्यूटीफुल वे में वर्शिप कर सकूं, तो हम चाहते हैं ना हमारी नमाजें ब्यूटीफुल हो जाए हमारी इबादत ब्यूटीफुल हो जाए तो हम ये दुआ मांगेंगे जितना हम मांगेंगे उतनी अच्छी हमारी नमाजें पढ़ने के लिए आसानी होगी اللہ <سؤال> تعالی ہمیں بہت اچھی نمازیں پڑھنے والا بنا ہے اللہ تعالی کا شکر ہے اللہ تعالی نے ہمیں نمازوں کا گفٹ دیا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته